नमस्कार दोस्तों, भास्कर टुडे में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान आपके बीच एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं, जहां देखकर और सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि बागपत के जो युवा है उनके जीवन उनके भविष्य पर खिलवाड़ किया गया है उनके साथ, और उनके जो भविष्य है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले हैं खुद बागपत का प्रशासन है, जिसको बताना चाहूंगा। 13 अगस्त में एक भर्ती होनी थी आर्मी की, यहाँ खुली भर्ती होनी थी, जिसको लेकर यहाँ के प्रशासन ने शासन को लिखा कि वो असमर्थ हैं इस भर्ती को कराने के लिए, अब वो सहारनपुर के लिए भेज दी। 13 जिलों की ये भर्ती थी, जिसको लेकर अब फिलहाल वो सहारनपुर में चल रही है। लेकिन बागपत के जो युवा है उनमें खासा नाराजगी देखने को मिली है, क्योंकि बागपत की जो प्रशासन है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा है। क्योंकि बात करें 2018 में भी यहाँ बड़ौत में जो आर्मी की भर्ती ओपन हुई थी, जिसमें सैकड़ों बच्चे भर्ती हुए थे, जिनमें उन्होंने अपनी प्रतिभा का जोहर दिखाया था। बागपत वो धरती है जहां स्पोर्ट को लेकर जो यहां के खिलाड़ी हैं मिट्टी के अखाड़े से लेकर विदेशों तक अपना परचम लहराते हैं, और आर्मी और पुलिस में सबसे ज्यादा यहाँ जनपद के बच्चे देखने को मिलते हैं। लेकिन जिस तरीके से बागपत प्रशासन ने कहीं ना कहीं युवाओं को हताश किया है, वहीं युवाओं में नाराजगी बड़े पैमाने पर देखी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से बागपत सांसद ने इस बात का भी बताया है कि प्रशासन ने कैसे लिखा है, और कहीं ना कहीं प्रशासन की जो ये कार्रवाई है इस पर एक बड़ा सवाल है कि आखिर उनके पास किन संसाधनों की कमी रही है, आखिर ऐसा क्या रहा है कि जो 13 जिलों की भर्ती बागपत में होनी थी वो भर्ती से इन्होंने पल्ला झाड़ लिया। कैमरा सीगू के साथ मैं देवेंद्र चौहान, बागपत। ये दुर्भाग्य से मैं इस बात को कहना चाहूंगा, मैंने कई वर्षों के प्रयत्न के बाद बागपत में 13 जिलों की भर्ती होने वाली थी फौज की आर्मी की, लेकिन हमारे प्रशासन की वजह से, हमारे प्रशासन ने उस बात में से लिख करके आर्मी को भेज दिया कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, पर्याप्त हम बंदोबस्त नहीं कर सकते और इसलिए यहाँ हम करने में असमर्थ हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। मुझको लगता है कि अधिकारियों को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। बड़ी मुश्किल से ऐसे मौके हमारे बच्चों के लिए आते हैं जहाँ रोजगार के वो हो सकें और हमारे बच्चे अधिक से अधिक उसमें भर्ती हो सके। मेरा विश्वास है कि आगे जो है इस प्रकार की जो गलतियां हमारा प्रशासन। अपने आसपास की खबर देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करें।